गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के अंदर हम पहले तो ये देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग रूलर्स यहाँ पर रूल करते थे और कितना प्रॉस्परस कंट्री जो था हमारा, और कैसे कैसे यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आए और यहाँ पर राज किया, और जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला जो देश है उसके अलग अलग रूप जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं, इन अर्लियर टाइम इंडिया वॉज कॉल्ड विश्वगुरु, कि पुराने समय में इंडिया को हम किस नाम से जानते थे, विश्वगुरु के नाम से, और या फिर सोने की चिड़िया, द गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था। इंडिया अडॉप्टेड द थॉट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, इंडिया जिसकी जो विचार थे वो कैसे थे, वसुदेव कुटुंबकम की तरह, कि पूरा जो विश्व है वो क्या है, हमारा एक परिवार है और सभी लोग मिलकर यहाँ रहेंगे। नेक्स्ट है, दोज ओवरसीज रीजन्स विच वर कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस बाय इंडिया वर नोन एज दीपांतर, कि ओवरसीज रीजन, इंडिया के चारों तरफ जो समुद्री जो एरियाज हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, दीपांतर कहा जाता है। इंडियंस रीच मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, जापान एंड अदर प्लेसेस थ्रू पावरफुल शिप्स, इंडियंस जो है वो इन देशों के अंदर शिप के द्वारा जाते थे, एंड एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर देयर, और वहाँ पर उन लोगों ने अपना पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पायर जो है वो एक्सपेंड किया है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रामायण एंड महाभारत। इंदुस सरस्वती सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है, ये किस टाइम पर थे, ये सिविलाइजेशन रामायण और महाभारत के टाइम पर। वेदास आर रिगार्डेड एज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, वेदास जो चार तरह के जो वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो वेद हैं इसीलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या कहा जाता था इंडिया को, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, की पूरे मतलब कि ज्ञान का भंडार इंडिया को माना जाता था वेदों के कारण। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स रिजल्टेड इनटू डिक्लाइन ऑफ ओल्ड ट्राइबल सिस्टम, कि जैसे जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप हुआ, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ट्रेड डेवलप हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, तो धीरे धीरे जो पुराने सिस्टम थे, जो ट्राइबल सिस्टम था पुराना, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा। एंड स्मॉल जनपद्स वर रिप्लेस्ड बाई लार्ज जनपद, जो छोटे छोटे जनपद थे यानी कि छोटे छोटे जो गांव थे वो लार्ज जनपद में चेंज होने लगे। बाई द सिक्स सेंचुरी जनपद्स वर रिप्लेस्ड बाई महाजनपद, और फिर ये जनपद जो थे ये महाजनपद में चेंज हो गए। ड्यूरिंग द सिक्स सेंचुरी देयर वर 16 महाजनपद्स वर प्रेजेंट एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, यानी कि सिक्स सेंचुरी के अंदर 16 महाजनपद्स थे, और उस टाइम पर किसके अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे उसका क्या नाम था, जिसके अंदर लिखी गई थी, जिस किताब के अंदर, वो किताब का नाम था अंगुत्तर निकाय। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 16 महाजनपद के बारे में किस में लिखा गया है, तो अंगुत्तर निकाय में लिखा गया, किसके अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लिखा गया है। फिर है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट महाजनपद्स वर, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट महाजनपद्स हैं, मगध, वत्स, कौशाला, मत्स्य, जिसकी कैपिटल, मगध की कैपिटल थी राजगिर, वत्स्य की कौशाम्बी, कौशाला की अयोध्या और मत्स्य की विराटनगर, ये इनके कैपिटल हैं। टू टाइप्स ऑफ स्टेट इन महाजनपद, महाजनपद में दो तरह के स्टेट्स थे, कौन कौन से, मोनार्कीज और रिपब्लिक्स। मोनार्कीज वो स्टेट्स होते हैं जहाँ पर राजा राज करता है, रिपब्लिक वो स्टेट्स होते हैं जहाँ डेमोक्रेटिक यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति राज करता है। तो ये दो तरह के स्टेट्स थे महाजनपद में। तो मोनार्कीज में कौन कौन से आते हैं, मगध, वत्स, कौशाला और अवंती, और रिपब्लिक में आते हैं शाक्याज ऑफ कपिलवस्तु, मालाज ऑफ पावा, लिच्छावीज ऑफ वैशाली एंड विदिशाज ऑफ मिथिला, ये मोनार्कीज और रिपब्लिक स्टेट्स के नाम हैं। उसके बाद में 16 महाजनपद, ये आपका बुक में दिया गया है 16 महाजनपद के बारे में, ये देखिए पेज नंबर 6 पर,
ये जो दिया गया है ये पूरा आपको इसके कैपिटल के साथ लिखना है, जैसे कि कोशी का वाराणसी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, अंगा का चंपा, मगध राजगृह, वाजी विदेहा या मिथिला, आप दोनों ही नाम जो दिए गए हैं दोनों ही लिखना है, मैला माला, कुशुवती और कुशीनारा, चेदी और चती, शक्तिमती और सोथवती, वत्सा, कौशंभी, कोसाला, अयोध्या, पांचाला, अहिक शास्त्र, मत्स्य विराटनगर, सुरसेना मथुरा, अशाका पोताना और पतेली, अवंतिका उज्जैनी, गंधार का तक्षशिला और कंबोज का राजपुर और हतक। ये आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ महाजनपद्स और उनके कैपिटल लिखने हैं, ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है इसको आपको नहीं लिखना है। इसके बाद में मेजर जनपद्स ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान के कौन कौन से मेजर जनपद्स हैं। तो मेनी जनपद्स एमर्ज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर बहुत सारे जनपद जो थे वो सामने आए। इन राजस्थान मेनी ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम पंजाब लाइक मालव, शिवी, अर्जुन, नयन एक्सेट्रा रीच्ड हियर, यानी कि राजस्थान के अंदर पंजाब से बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि मालव, शिवी, अर्जुन, नयन, ये सब आए इंडिया के अंदर राजस्थान में ड्यू टू ग्रीक इन्वेशन, क्योंकि वहाँ पर ग्रीक जो थे उन लोगों ने हमला कर दिया था एंड दे सेटल्ड ओवर हियर, और वो यहाँ आकर राजस्थान में ही सेटल्ड हो गए। दीज ट्राइबल ग्रुप्स फॉर्म द जनपद इन राजस्थान, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इन लोगों ने राजस्थान के अंदर एक जनपद फॉर्म किया जिसका क्या क्या नाम था, जंगल, मत्स्य, सुरसेना और शिवी। ये फोर मेजर जनपद्स हैं राजस्थान के, आपके बुक में भी दिया गया है, आप बुक में भी साथ में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सबसे पहला पॉइंट हमारा जंगल। इन द महाभारत पीरियड द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर नोन एज जंगला देश, यानी कि महाभारत के टाइम पर जो प्रेजेंट में बीकानेर और जोधपुर का डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, जो जोधपुर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है वो पहले महाभारत के टाइम पर किस नाम से जाना जाता था, जंगला देश के नाम से जाना जाता था। अछित्रपुर वॉज इट्स कैपिटल, जंगला देश जो था उसका कैपिटल क्या था, अछित्रपुर वॉज इट्स कैपिटल विच इज़ प्रेजेंटली कॉल नागौर, जिसे हम आज नागौर के नाम से जानते हैं। द किंग ऑफ बीकानेर हु वॉज द ओनर ऑफ दिस जनपद कॉल्ड हिमसेल्फ, यानी कि जो बीकानेर का राजा था जो इस जनपद को बनाने वाला था वो अपने आप को क्या कहता था, जंगलाधर, बादशाह और एम्परर ऑफ जंगलाधर वो अपने आप को कहता था। फिर जय जंगलाधार इज़ इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट, कि बीकानेर स्टेट के अंदर वहाँ सिंबल के रूप में जय जंगलाधार इंस्क्राइब मीन्स लिखा हुआ है। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है मत्स्य, द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वॉज कॉल्ड मत्स्य महाजनपद, यानी कि जयपुर के आसपास का जो पूरा रीजन है इसे मत्स्य महाजनपद कहा जाता था। इट्स एक्सपेंस वॉज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कि सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती, चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी तक ये पूरा फैला हुआ था। अलवर एंड सम पार्ट्स ऑफ भरतपुर वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन, इसके अंदर अलवर और कुछ हिस्सा भरतपुर का भी मिला हुआ था। विराटनगर विच इज़ प्रेजेंटली नोन एज बैरट वॉज इट्स कैपिटल, विराटनगर मत्स्य का कैपिटल था जिसे आज हम बैरत के नाम से जानते हैं। इन द बिगिनिंग इट वॉज़ ए पार्ट ऑफ चेदी स्टेट, शुरुआत में तो ये चेदी स्टेट का पार्ट था एंड लेटर बिकेम पार्ट ऑफ मगध एम्पायर, और बाद में ये मगध एम्पायर का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा सुरसेना, इट वॉज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रिज रीजन, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, मॉडर्न यानी कि आज ब्रिज में सिचुएटेड है सुरसेना। मथुरा वॉज इट्स कैपिटल, और इसकी कैपिटल क्या थी, मथुरा। अकॉर्डिंग टू द महाभारत यदु डायनेस्टी वो रूल्ड हियर, यानी कि महाभारत के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन से राजा राज करते थे, यादव या यदु डायनेस्टी का शासन था। उसके बाद में
जो फोर्थ पॉइंट है वो हम बुक से लिखेंगे। सुरसेना के अंदर सेकंड लाइन देखो, द एंशियंट ग्रीक राइटर्स मेंशन दिस किंगडम। जो एंशियंट ग्रीक राइटर्स हैं उन्होंने इस किंगडम को किस तरीके से मेंशन किया है, क्या नाम दिया है इसको, सुरसेनाई एंड इट्स कैपिटल एज मिथुरा। यानी कि सुरसेनाई तो जनपद का नाम हो गया और इसका कैपिटल जो था मथुरा, इसे मिथुरा के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको नोटबुक में लिखना है। द मेजर पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर, अलवर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट वर अंडर सुरसेना जनपद। जो मेजर पार्ट थे भरतपुर, धौलपुर और अलवर करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये किसके अंडर में आते थे, सुरसेना जनपद के अंडर में। वासुदेवा सन लॉर्ड कृष्णा वॉज एसोसिएटेड विद दिस जनपद। यानी कि ये माना जाता है कि वासुदेव के पुत्र जो लॉर्ड कृष्ण थे वो भी इस जनपद में मिले हुए थे, इस जनपद में शामिल थे। नेक्स्ट आता है हमारा शिवी। शिवपुर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद। शिवपुर जो है इसे कैपिटल माना जाता है किसका, शिवी जनपद का, विच इज़ प्रेजेंटली कॉल्ड शोरकोट इन पाकिस्तान। जो कि प्रेजेंटली आज कहाँ है, पाकिस्तान में, और उसे शोरकोट के नाम से जाना जाता है। शिवी ट्राइब ऑफ साउथर्न पंजाब मूव टू मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। शिवी ट्राइब जो है ये कहाँ, पंजाब से राजस्थान मेवाड़ की तरफ आए थे। जैसे कि हमने पहले भी, इससे पहले जो जनपद पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि पंजाब से कई ट्राइबल पीपल जो थे वो आके राजस्थान में सेटल हुए थे, उसी तरीके से साउथर्न पंजाब से लोग आकर कहाँ सेटल हुए, राजस्थान के मेवाड़ रीजन में। नागारी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। यानी कि इस जनपद का कैपिटल क्या था, नागारी। शिवी कॉइन्स हैव बीन एक्सकावेटेड फ्रॉम मेनी प्लेसेस ऑफ मेवाड़। शिवी कॉइन्स जो है वो भी, बहुत सारी कॉइन्स जो है वो मेवाड़ के रीजन में पाए गए। यानी कि जब खोद कर निकाला गया तो बहुत सारे शिवी कॉइन्स भी निकले। फाइव केव एडिक्ट्स रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। फाइव केव एडिक्ट्स मतलब कि जो गुफाएं होती थी उनके अंदर लिखा हुआ था। और क्या, हैव बीन एक्सकावेटेड फ्रॉम प्लेसेस नियर मंदसौर। अरे कहाँ देखा गया, मंदसौर के पास में। टेल्स अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ दिस जनपद, जो कि इस जनपद का कितना प्रभाव था इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इन महाजनपद। ये तो देखो आपके बुक के अंदर ये जो फोर्थ पॉइंट था यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब ये जो एक पैराग्राफ दिया गया है इसके अंदर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पावर कि जो राजस्थान के मेन जनपद थे महाजनपद, उन सब के एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो थी वो क्या थी। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वॉज इन द हैंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो थी, यानी कि रूल करने की जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जो मतलब कि जो रिच फैमिलीज जिसे हम कह सकते हैं, जो पूरा साधन संपन्न जो होते हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जो दूसरे लोगों को अपना गुलाम बना के रखते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं वो एरिस्टोक्रेटिक कहलाते हैं। फिर आता है संथागारा सभा वॉज द जनरल असेंबली ऑफ दिस जनपद। इस जनपद की मेन असेंबली जो थी, उसका जनरल असेंबली जो थी उसका नाम क्या था, संथागारा सभा। वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, जो कि रिप्रेजेंट करती थी, जो कि बताती थी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ को। वर इट्स मेंबर, और उसके मेंबर भी, असेंबली के मेंबर्स भी कौन होते थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ के ही मेंबर होते थे। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेज्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ संथागारा सभा। उस असेंबली के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज कौन करता था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ के मेंबर्स करते थे। द मेंबर्स कोड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक इशूज़। जो मेंबर्स है वो अपनी ओपिनियंस किसी स्पेसिफिक इशू यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर बोल सकते थे, और उसे क्या कहा जाता था, अनायु विरोध कहा जाता था। द टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट्स वर वोटेड अपॉन, कि जो टॉपिक जिसके अंदर लगता था कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा था, वो वोटिंग के द्वारा उसे सुलझाया जाता था। संथागारा वॉज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनपद। जनपद का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो था वो क्या था, संथागारा। द मेंबर ऑफ संथागारा कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन सर्टेन इश्यूज़ ओनली, कि जो मेंबर्स थे संथागारा के वो अपने
एक्सप्रेस कर सकते थे अपने ओपिनियन किसी किसी टॉपिक के ऊपर, एंड दिस वॉज कॉल्ड एज अनायु विरोध, जिसे अनायु विरोध कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें रीजंस ऑफ डिक्लाइन महाजनपद, कि महाजनपद के डिक्लाइन होने का क्या रीज़न है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, कि आपस में लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल नहीं थी। फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। एंड म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी भी बात को समझने की जगह बल्कि एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती रहती थी। एंड एक्सप्रेशनिस्ट पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी मोनार्कीज, यानी कि राजा का जो शासन था उसी पॉलिसी को ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा था, जिससे ये महाजनपद जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। यहाँ तक ये सारे नोट्स आपको नोटबुक में लिखना है और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। हिस्ट्री की अलग से नोटबुक बनानी है। आप लोग चाहो तो इसके लिए एक रजिस्टर भी बना सकते हो, तो जिसमें क्या है कि ये चैप्टर इसके बड़े बड़े हैं तो वो आपको ईजी रहेगा, एक ही जगह पर सारे नोट्स मिल जाएंगे।